तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं बोया माइक की कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये माइक ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। अभी आपके सामने दिख रहा होगा ये बोया माइक का डब्बा है, पैकेट है, और ये बोया माइक है जो मैंने अभी दो दिन पहले फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है और इसका प्राइस है 749 के करीब। ठीक है, तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो अभी ये वीडियो है कि हम कैसे पहचाने कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि दो दिन पहले जब ख़रीदा था तो ये सेटअप सही से नहीं हो पा रहा था, इसमें आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, तो मुझे लगा ये डुप्लीकेट तो नहीं है। तो फिर मैंने इसको जानने के लिए कि कैसे पहचाने डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, गूगल किया, यूट्यूब पे तब काफ़ी सारे वीडियो देखे, बट पता नहीं चल सका मुझे कि कैसे पहचानो कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। YouTube पे मैंने क्या देखा वो एक बार आपको शेयर कर देता हूँ। काफ़ी सारे वीडियो पड़ी हैं, काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इसके बारे में बताई हुई हैं। एक वीडियो मैंने देखा YouTube पे जिसपे मुझे बोला गया कि आप पहचान सकते हो डब्बे देख के। मैंने कहा कि ठीक है, कैसे पहचाने, जरा एक बार देखते हैं वीडियो को। तो उसमें बताया गया कि देखिए, आपके जो डब्बे पे बोया लिखा होगा वहाँ पे आर लिखा होगा ऊपर, बोया के ऊपर आर छोटा सा, और वो सर्कल में होगा, तो आप समझिए वो डुप्लीकेट है। ओके, और इसके अलावा बोला गया कि जो यहाँ पे स्टिकर है जो डुप्लीकेट होगा तो छोटा सा स्टिकर होगा स्क्वायर में। ठीक है, बोला अच्छा ठीक है, आगे बताइए। तो आगे फिर बताया गया कि आप साइड में देखोगे रैपर के यहाँ पे, तो यहाँ पे बोया लिखा है, नीचे छोटे अक्षरों में लिखा है प्रो ऑडियो सीरीज, तो प्रो ऑडियो सीरीज बड़े में लिखा होगा, तो समझिए डुप्लीकेट है। ठीक है, फिर बताया गया कि बैक में जाएंगे, बैक में यहाँ पे काफ़ी सारा डिटेल लिखा हुआ है, डुप्लीकेट होगा तो इतना डिटेल नहीं होगा, थोड़ा सा होगा, दो चार लाइन नीचे, तो इससे समझिए डुप्लीकेट है। फिर बताया गया कि ये जो क्वालिटी होगी डब्बे की, ये आपका जो ये गर्ल है, जो लेडी है, वो HD में दिख रही हैं, डुप्लीकेट होगा तो HD में नहीं होगा, ये प्रिंट आउट होगा, आप देख के बता सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हाँ ये डुप्लीकेट। इतना सब देखने के बाद भी मुझे पता नहीं चला कि मेरा डुप्लीकेट ही ओरिजिनल है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने तरीके से सर्च किया और मुझे मिल गया, एक मिनट में मुझे पता चल गया कि हाँ ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ कि ये कैसे पहचाने कि ये जो माइक है ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखेंगे फ्रंट में, यहाँ पे फ्रंट में आपको यहाँ पे एक ये दिख रहा होगा बारकोड। ठीक है, बारकोड के ऊपर एक रैपर लगा हुआ है, चिपका हुआ है प्लास्टिक, इस प्लास्टिक को आपको खुरचना है, निकालना है। ठीक है, मैंने इसको निकाल दिया था, अभी आपको दिखाने के लिए चिपकाया हुआ है, फिर से हटा देता हूँ। तो इसको हटा देंगे, इसे रैपर आपका ऐसे हट जाएगा, इसको साइड में रख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार कोड है और यहाँ पे एक सीरियल नंबर आ गया जो कि अब विजिबल हो रहा है, देखिए यहाँ पे शायद आपको दिख रहा हो। तो इसको आप कैसे चेक करें, इसकी वेबसाइट कौन सी है, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट है बोया की, वहाँ पे जाके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये माइक ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, और ये इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा जो वेबसाइट है, अभी मैं वो वेबसाइट आपको एक बार दिखा देता हूँ। अब आपको ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेना है और गूगल में टाइप करना है बोया माइक वेरीफाई। ठीक है, फिर आपको सर्च पे क्लिक करना है, जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको सर्च रिजल्ट आएगा, काफ़ी सारे लिंक आएंगे, आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी कोड - वायरलेस माइक्रोफोन - बोया। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो ओपन होगी, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड जो आपके डब्बे पे है उसको इंटर करना है और इंक्वायरी पे क्लिक करना है। मैंने कॉपी किया हुआ था, मैंने पेस्ट किया, अब इंक्वायरी करूँगा। जैसे ही मैंने इंक्वायरी किया आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट आ गया है और लिखा है द सिक्योरिटी कोड यू हैव बीन क्वेरीड फोर टाइम्स। ओके, सो इसके पहले मैंने 4 बार इसकी इंक्वायरी कर ली है इसलिए ये मैसेज दे रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम इंक्वायरी करेंगे और अगर आपका पैकेट ओरिजिनल हुआ तो आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, अगर डुप्लीकेट हुआ तो कोड नॉट फाउंड करके एरर आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फ्रॉड से बचिए।